इंडिया अब थर्ड बड़ी पावर बन चुका है, तीसरी बड़ी कुवत जो है बन चुका है, पावरफुल कंट्री। तो अब तो इसके बाद ये लग रहा है कि इंडिया दूसरी बड़ी पावर बन चुका है, दूसरा ताकतवर कंट्री बन चुका है। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। बात यह है कि 43,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 6 सबमरीन। अभी जर्मन चांसलर जो है वो इंडिया से निकले नहीं कि स्पेनिश प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया पहुंच रहे हैं। दे आर सेइंग वी विल गिव इंडिया, हम भारत को टॉप एंड टेक्नोलॉजी देंगे। टॉप एंड टेक्नोलॉजी तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, वो हम भारत को देंगे, भारत में ही बनाएंगे। ये देखिए भारत सरकार की बहुत बड़ी शर्त है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन बनाओगे तुम भारत में। ये सभी वही देश हैं जो कुछ साल पहले भारत को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे और भारत को कई बार बैन भी कर चुके हैं। जर्मनी आज तक मुंह सुझा के कोने में बैठा था यार, जर्मनी कह रहा था नहीं हम नहीं देंगे, अब दिक्कत है हमें, आपसे इससे प्रॉब्लम है, हमें इससे प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई हम कहीं और से ले लेंगे। जर्मन गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडिया फोकस। अब जर्मनी को अचानक इस चीज का ध्यान आया है कि भाई साहब तो मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि भारत के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, भारत मोटे पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है, बाकी लोग मेला लूट के ले गए। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जर्मन ये गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें सारे का सारा फोकस मुस्तकबिल में इंडिया के ऊपर करना चाहिए। जर्मनी से कई 100 बिजनेसमैन आए हैं, कोई 700 कह रहा है, कोई 800, पता नहीं कितने बिजनेसमैन आए हैं। और सबको पता है, देखिए बात यह है ना, सबको पता है कि भारत टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, सबको पता है। और जर्मनी को इसलिए पता है क्योंकि अभी तक फ्रांस ने फायदा उठाया, अमेरिका ने फायदा उठाया, इसराइल ने फायदा उठाया, राइट? इसराइली बहुत सारा सामान है हमारे पास, अमेरिकन सामान हमारे पास बहुत है, फ्रेंच सामान हमारे पास बहुत है, रशियन सामान तो बेइंतहा है हमारे पास, 60-65% ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस फुल ऑफ रशियन मटीरियल। ये जर्मनी आज तक मुंह सुझा के कोने में बैठा था यार, जर्मनी कह रहा था नहीं हम नहीं देंगे, अब दिक्कत है हमें, आपसे इससे प्रॉब्लम है, हमें इससे प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई हम कहीं और से ले लेंगे। अब जर्मनी को अचानक इस चीज का ध्यान आया है कि भाई साहब तो मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि भारत के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, भारत मोटे पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है, बाकी लोग मेला लूट के ले गए, हमें क्या मिला। तो अब ये पूरी भीड़ देकर आ गए, अब ये कह रहे हैं सब कुछ हमें दे दो। पेड्रो सांचेज हैं स्पेन के, ओलफ शोल्ट्स हैं जर्मनी के, ये मोदी जी से क्यों आए मिलने के लिए? ये इसलिए आए क्योंकि इनको हथियार बेचने हैं, अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट भारत दे रहा है, क्योंकि खतरा चीन से है मोस्टली, एंड वी वॉन्ट अ रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। तो ये सारा गेम यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, सारा का सारा गेम चल रहा है यहाँ पे। स्पेनिश प्रेसिडेंट जो है वो पहुंच रहे हैं इंडिया के अंदर। मजे की बात ये है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से, फजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो कंपीट कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया, बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है, इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनियसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे, और इंडिया के जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसको मजबूत करे। अब जर्मन सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़िया तो जहाज लै गया, और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन। बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट मनी रिसोर्सेस। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो पजे पजे आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75 वन जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी जाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज अ वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? यू नो, जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है,
ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये उसकी उसका मिलना है, ठीक है ना जी। अब देखिए ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही, ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं, कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है। जर्मन स्टफ इज अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, चाहे वो गाड़ी बनाए, कार बनाए, जैसे मर्सिडीज है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, राइट, चाहे वो स्पोर्ट्स अपैरल्स बनाए जैसे कि एडिडास है, चाहे ह्यूगो बॉस फैशन ब्रांड हो, या फिर हथियार बनाए। मैं आगे चल के हथियारों, आज हथियारों का ही वीडियो है दोस्तों। तो ये जो जर्मनी ने, इनके जर्मन एम्बेसडर हैं, ये ओलफ शॉल्ट्स आए, तो ही वॉज द पॉइंट मैन यहां पे, जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया फिलिप एकरमैन। फिलिप एकरमैन ने बोला है कि फास्टर अप्रूवल्स फॉर परचेस, भारत हमसे जो खरीदना चाहता है फास्टर अप्रूवल्स। उन्होंने ये भी बोला है कि प्राइवेट कंपनीज हमारी सबकी सब, प्राइवेट कंपनीज हैं जो भी डिफेंस में बनाती हैं, चाहे वो पंडुबियां बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, दीज आर ऑल प्राइवेट कंपनीज। और दुनिया भर में होता है, छोड़ के भारत, भारत में भी अभी भी धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां आना शुरू हो गई हैं, पर हमारे यहां तो सरकारी करती थी सब कुछ पहले, इसलिए हर काम धीरे 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 प्राइवेट कंपनीज तेजी से करती हैं, R&D पे पैसा लगाएंगी, सब कुछ करेंगी। दैट इज वाई ही सेड फास्टर अप्रूवल्स फॉर परचेस। P75 एक प्रोजेक्ट है सबमरीन्स का दोस्तों, जर्मन मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू टेक पार्ट, ये कह रहे हैं जर्मनी में मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें दे आर कीन टू टेक पार्ट, दे आर सेइंग वी विल गिव इंडिया, हम भारत को टॉप एंड टेक्नोलॉजी देंगे, टॉप एंड टेक्नोलॉजी, तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हम भारत को देंगे, भारत में ही बनाएंगे। ये देखिए भारत सरकार की बहुत बड़ी शर्त है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन बनाओगे तुम भारत में, तुम बाहर नहीं बना सकते, तो इंडिया में बनाएंगे। ये सब बातें चल रही हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है किसी को, अभी बातें चल रही हैं, बड़े एग्रेसिवली बातें चल रही हैं, लेकिन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, 43,000 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और TKMS है, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, ये थाइसन ग्रुप है दोस्तों, जर्मन कंपनी है थाइसन ग्रुप, और ये स्पेनिश कंपनी है। मैंने शुरू में आपको पेड्रो सांचेज और ओलफ शॉल्ट्स की फोटोग्राफ दिखाई थी, यही खेल है, दिस इज द गेम, ये गेम खेलने ये लोग यहां पे आए हैं। और TKMS कंपीटिंग विथ नवांतिया, और ये किसके लिए कंपीट कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए, और ये कह रहे हैं सब 6 सबमरीन्स हम बनाएंगे, 6 सबमरीन्स। अब उनके पास सारा कुछ मौजूद होगा जो जो सबमरीन बनाने के लिए चाहिए होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसमें स्पेनिश आ तो रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन मेरी जाती राय है, मेरी जाती एक असेसमेंट है, वो आ तो रहे हैं लेकिन स्पेन को नवाजा नहीं जाएगा। 18 सालों में पहला दौरा कर रहे हैं, ठीक है जी। सो इतने तो करीबी ताल्लुक नहीं है उनके, लेकिन सुना है कि जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं अपनी मिसेस के साथ आ रहे हैं, और एक वो खवातीन के साथ जब आप किसी दौरे पे आते हैं तो एक बड़ा पर्सनल सा दौरा करता है कि जी हम जो है वो मतलब साढ़े तोड़े बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, असी पुराने एक दूजे को जानने, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है वो मतलब एक लगती है, ठीक है जी। सो बहरहाल ये एक चीज़ है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है, हो सकता है इंडियंस उसको एक सेकंड लाइन में रख लें, ठीक है जी। वो इसलिए कि उनको इस चीज़ का पता है कि हमें फ्यूचर में भी सबमरीन्स आई हैं। देखें इंडिया, असल मसला ये है इंडियंस का कि जितना बड़ा चाइना का नेवल फ्लीट है, इंडियंस परेशान होते रहते हैं वो देख देख के, ठीक है जी, और वो अमेरिकन देख देख के परेशान होते हैं, तो इंडियंस ने तो होना ही होना है, ठीक है जी। अब ये जो P75-1 जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली ये आप समझ लें कि यूरोपियंस ले जाएंगे, ठीक है जी, लेकिन इंडियंस किस कैपेसिटी में लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि हमें इसमें एम्पावर किया जाए। अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो हमें एम्पावर करें। देखें इंडियंस, जर्मन्स ने ये कहा है कि जनाब हम स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं मिलिट्री परचेज अप्रूवल का, ये काम अभी वो नहीं कर सकते। सो जर्मनी की पॉलिटिकल एंड जो टेक्नोलॉजिकल ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। सो मेरा नहीं ख्याल कि
जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया अफोर्ड कर सकता है,